हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नई बात देखने जा रहे हैं। उस नई बात का नाम है जैन कथाएं। जैन कथाएं पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन कहानियों को हर कोई अपने ढंग से देख सकता है, अपने ढंग से समझ सकता है, अपने ढंग से इन कहानियों का इंटरप्रिटेशन कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा ओपन एंडेड कहानियां हैं। ये ऐसी कहानी है जैसे कि आपने एक कहानी पढ़ ली हो तो इसके हजार मानी हो सकते हैं। सो इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इसे डीकंस्ट्रक्शन कहा गया है। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि देयर इज नो फाइनल मीनिंग एज सच। मींस ये जो मैंने कहा है इस बात का भी कोई फाइनल मीनिंग नहीं है, ऐसा जैक्स डेरिडा कहता है। इसी बात को जब हम आगे जैन कथाओं के सहारे ले जाकर समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि जैन कथाएं क्यों होती है, क्यों जैन कथाएं इतनी पॉपुलर हुई, पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि जैन कथाओं को पॉपुलर करने में जैन कथाओं का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य यह है कि लोगों में, पढ़ने वाले लोगों में, सुनने वाले लोगों में, समझने वाले लोगों में होशियारी बढ़े। दैट इज व्हाट वी कॉल विजडम। मींस लोग चतुर बने, लोग होशियार बने, लोग अच्छे बने और हर चीज से, हर पढ़ी हुई चीज से या सुनी हुई चीज से कुछ सीखे। तो जैन ये एक्चुअली वर्ड ध्यान से आता है और ध्यान को संस्कृत और पाली भाषा में, अर्धमागधी भाषा में बहुत ही ज्यादा महत्व है। और जब ध्यान की बात बुद्धिज्म में होती है तो बुद्धिज्म में ध्यान की बात होशियारी को लेकर ही होती है, विस्टम को लेकर ही होती है। तो इसी बोधि धर्म ने जब इस जैन कथाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बोधि धर्म से पहले भी जैन कथाओं का चयन हुआ है, ये डायरेक्टली बुद्ध से अपने शिष्य की तरफ गया हुआ है। लेकिन बहुत बार इसका इंटरप्रिटेशन होते हुए ऐसे कहा गया है कि जैसे बुद्धिज्म में जो तर्क है, बुद्धिज्म में जो लॉजिक है, बुद्धिज्म में जो विस्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और बुद्धिज्म के जो सबसे इंपॉर्टेंट दो तीन अंग है, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग हम जिसे कहते हैं, जैसे आर्य सत्य हम जिसे कहते हैं, इन चीजों को नकार कर जैन की बात हुई, ऐसा भी एक प्रवाह, ऐसा भी एक स्ट्रीम, एक थॉट स्ट्रीम चलता है जो कि बहुत हद तक गलत है। इसलिए क्योंकि बुद्ध का कहना ही ये था कि आपको अंदर देखना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा, यू हैव टू पीप इन थ्रू। इसी को उन्होंने उपोषत के नाम से कहा, इसी को संस्कृत में उपवास कहा जाता है। उपवास या उपोषत का मतलब होता है खुद के साथ रहना। उप बोले तो खुद एंड वास बोले तो रहना, उपोषत उपवास। खुद के साथ जब हम रहना शुरू करते हैं तो हमारी होशियारी में इजाफा होना शुरू हो जाता है, इन्हीं चीजों को सीखने के लिए। और इसी होशियारी को देश दुनिया तक लेकर जाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जैन कथाएं। आज हम बहुत ही छोटी सी जैन कथा देखेंगे। इस जैन कथा का नाम है गेहूं के दाने और बीवी का भूत। तो क्या है गेहूं के दाने और बीवी के भूत का रहस्य? तो जब हम गेहूं के दाने और बीवी के भूत को देखने जाते हैं तो हमें इस कथा में ये बताया गया है कि एक बीवी है जो अब मरने की कगार पर है और मरने की कगार पर होते हुए भी उसका ऐसा मानना है कि उसका जो हस्बैंड है उसके मरणोपरांत भी उससे एक निष्ठ रहे। ये बहुत ही आम तौर पर जानी जाने वाली इच्छा है किसी भी बीवी की अपने हस्बैंड के हस्बैंड के तरफ से। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो भाई, इन द सेंस मैं बस कॉन्वर्सेशन के तौर पर ये बात कर रहा हूँ आपसे कि देखो कि जब मैं मर जाऊंगी उसके बाद भी आपको किसी भी स्त्री की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, प्यार नहीं करना है, शादी नहीं करनी है, आप मुझे वचन दीजिए।
हस्बैंड बेचारा भी क्या करेगा, तो वो वचन दे देता है, वो कह देता है कि हाँ मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी भी स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। और बीवी ये कहती है कि अगर तुमने ये वचन तोड़ दिया तो मैं रोज रात को भूत बनकर तुम्हें तकलीफ दूंगी, तुम्हें सताऊंगी, तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। और हस्बैंड बहुत दिन तक उसके मरने के उपरांत, मिस अपनी पत्नी के मरणोपरांत हस्बैंड बहुत दिनों तक अपने वचन को निभा लेता है, लेकिन हस्बैंड तो फिर भी एक पुरुष है और पुरुषों की एक पैट्रियार्की में, पुरुष प्रधान संस्कृति में अपने पत्नी के मरणोपरांत किसी और स्त्री की तरफ नजर उठाकर न देखना एक बहुत ही अजूबे वाली बात हो जाएगी। और इसी अजूबे वाली बात को यह हस्बैंड पेल मिस संभाल नहीं पाता है और कुछ दिन कुछ महीनों के बाद वो एक तरुण स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, उसे प्रेम हो जाता है। और उस तरुण स्त्री के साथ प्रेम होने के बाद जब वो उससे बातें करता है तो उसी रात से उसकी बीवी का भूत उस कमरे में आ जाता है जिस कमरे में वो सो रहा है। और वो भूत हर वो बात कर लेता है जो दिन में उस पुरुष ने, उस हस्बैंड ने अपनी प्रेयसी के साथ की हुई है। और ऐसा बहुत दिनों तक सिलसिला जब चलता है तो हस्बैंड थक जाता है, रोज रात को उसकी बीवी का भूत जो है वो उसे वही सारी बातें सुनाता है जो दिन भर में वो अपनी प्रियतमा के साथ कर रहा है। अब वो थक गया है तो फिर वो बोधि धर्म के पास चला जाता है, बोधि धर्म जो जैन के जानकार फाउंडर भी माने जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, मैं फिर इस बात को कभी बताऊंगा आपको। और बोधि धर्म के पास जाने के बाद बोधि धर्म कहते आओ तो ऐसी बात है, लगता है कि बीवी का भूत बहुत ही ज्यादा होशियार है, कुछ करना पड़ेगा। और वो उसे कान में एक बात बता देते हैं। जब वो हस्बैंड अब प्रियतमा से मिल चुका है, बोधि धर्म से मिलने के बाद वो घर पर जाता है, रात हो जाती है और बीवी का भूत फिर से आके अपनी बात शुरू करने ही वाला होता है कि हस्बैंड उसे रोक देता है कि और बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पूरी बात सुनूंगा, लेकिन इससे पहले, और हस्बैंड अपनी जो सर रखने की जो जगह है उसके नीचे से, तकिए के नीचे से कुछ मुट्ठी भर गेहूं के दाने उठा लेता है और कहता है कि बिना गिने तुम मुझे बता दो कि मेरी मुट्ठी में कितने दाने हैं। और बीवी का भूत बता नहीं पाता है, गायब हो जाता है। और उस रात के बाद बीवी का भूत कभी भी हस्बैंड के कमरे में आकर हस्बैंड को सताता नहीं है और हस्बैंड अपनी जिंदगी अपने तौर से जी लेता है, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब इस कहानी का मतलब क्या है, जब हम इस तरफ जाते हैं कि व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, क्या गेहूं के दाने देखते ही बीवी का भूत, ये कोई चमत्कार तो है नहीं, यू नो, क्योंकि बोधि धर्म और उसके पहले बुद्ध भी कभी भी चमत्कारों पर विश्वास नहीं रखते थे, तो ये चमत्कारों भरी कहानी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कहानी क्या है। तो इस कहानी का जब अर्थ निकलना शुरू होगा तो बहुत अलग अलग अर्थ निकलेंगे, मैं अपने तौर पर आपको एक छोटा सा अर्थ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब हम कोई पाप कर्म करते हैं या फिर कोई ऐसा वचन तोड़ देते हैं जिसे हम खुद तोड़ना नहीं चाहते, जब हम हमारे शब्द खुद ही पाल नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, दिए हुए वचन को निभा नहीं सकते, और उसके विपरीत जब हम कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हस्बैंड ने किया है, अपनी बीवी को उसने वचन दिया है कि मैं किसी भी स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा और एग्जैक्टली वो कर चुका है, तो उसके वचन का जो भूत है, उसके मन का जो भूत है, वो उसके अनकॉन्शियस में जाकर छुप गया है और बार बार रात को जब भी वो अकेला हो रहा है तो अनकॉन्शियस जग रहा है, कभी सपनों के माध्यम से आ रहा है, कभी ऐवे ही उसको बेचैन कर रहा है और वो सारी बातें रिपीट हो रही है। दोस्तों, भूत नाम की कोई संकल्पना दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अंधेरे में
आपके मन के डर जो है, आपके मन की जो शंकाएं हैं, वो उभर कर आ जाती हैं और वो आपका पीछा करना शुरू कर देती है, आपको डराती है, आपको सताती है, आपको परेशान करती है, आपको बेचैन कर देती है। कुछ इसी तरीके से जब हम हमारे शब्दों को संभाल सकते, हम हमारे वचनों को नहीं निभा सकते, और अगर आप संवेदनक्षम व्यक्ति हो, व्यक्तित्व हो, तब जाकर आपको कुछ ऐसे बीवी के भूत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका मन बिना गिने हुए गेहूं के दाने चुनने में लग जाता है, गिनने में लग जाता है, तो उसी वक्त आप आपके वचन से मुक्त हो जाते हो, दूर हो जाते हो, आपके उस ख्याल से दूर हो जाते हो, आपकी शंकाओं से दूर हो जाते हो, और बड़ी आसानी से आप अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हो। इसी का नाम जिंदगी भी है। लेकिन बुद्ध बहुत ही खास तौर पर इन बातों की तरफ ध्यान देते हैं। बुद्ध विचार को सिर्फ तीन बातों में समझा जा सकता है। एक तो है कि बुद्ध हमेशा शब्दों की बात करता है, बुद्ध हमेशा विचारों की बात करते हैं, और बुद्ध हमेशा समाज या मैत्री इसकी बात करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि आप जो कहते हो वो सच होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कहोगे तो सबसे पहला बुरा असर जो है वो आपके मन पर होगा और आप कभी चैन की सांस नहीं ले पाओगे। बुद्ध विचारों की बात करता है। बुद्ध कहता है कि आपके विचार एक विजडम से भरे हुए विचार होने चाहिए, जिसमें आपके मन, आपका शरीर और आपके आत्मा एक हो जानी चाहिए, और आप किसी भी मोह में नहीं पड़ने चाहिए। जब ऐसा हो जाता है तो आप एक व्यक्तित्व के तौर पर, बुद्धत्व के तौर पर जिंदगी जीने के लिए काबिल बन सकते हो। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है समाज। समाज का मतलब ही अंग्रेजी में जब हम ढूंढने जाते हैं सोसाइटी का मतलब, तो सोसाइटी का मतलब ही होता है मित्रता भावना, बी फ्रेंडलीनेस, दोस्ती करना। तो इन तीन शब्दों में से बुद्ध विचार को समझा जाता है। इस पर हम कभी आराम से देखेंगे कि बुद्ध विचार समझ लेना हमेशा क्यों जरूरी रहा है। आज तो खैर आप इतनी ज़ेन कहानी समझे कि बीवी है और उसका भूत है और कुछ गेहूं के दाने हैं। तो एक तो आप अपना वचन दे दो या फिर गेहूं के दाने आपके हाथ में रखे। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसी बहुत ही प्यारी सी ज़ेन कथाएं आप तक पहुंचती रहें, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बिल्कुल भी बेल आइकन दबा दें, ताकि सबसे पहले ऐसी बहुत ही मनोरंजक और उद्बोधक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।